हरे कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक तुलसी जी के पौधे से अनेक तुलसी जी के पौधे कैसे बना सकते हैं। बारिश के मौसम में मित्रों बहुत सारे बीज हो जाते हैं और बीज से ही पौधे निकल आते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पौधा है ये हमारा पुराना तुलसी जी का पौधा है और इन्हीं के ही बीज से मैंने कई सारे पौधे बनाए हैं। जैसे इस तरह के जो बीज हो जाते हैं उन्हीं से ही इस बारिश के मौसम में बहुत सारे पौधे हो गए थे। आप देखिए, जैसे ये एक पौधा है, ये यहाँ साइड में निकला हुआ है। ये बहुत छोटा पौधा है, अभी मैंने इसे शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे साइड में हो गए थे पौधे, तो उनको मैंने निकाल निकाल के शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, ये वाला जो पौधा है ये बीज से निकला हुआ पौधा है। छोटे बीज से निकला हुआ पौधा ये वाला है। जब ये इतना बड़ा हो गया था तब मैंने उसको अलग गमले में, इस गमले में शिफ्ट कर दिया था। और देखिए ये भी कितना बड़ा हो गया है। एक पौधा ये भी है, ये इसमें निकल के आ रहा है, लेकिन इसे भी मैं अभी नहीं निकालूंगी। ये थोड़ा ग्रो कर जाएगा तब मैं इसको शिफ्ट करूंगी दूसरे गमले में। मतलब थोड़ा जल्दी नहीं करनी है, जब थोड़ा ग्रो कर जाए अच्छे से इनको तभी निकाल के अलग गमले में शिफ्ट करना है। तो इस तरह से आप एक तुलसी जी के पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं और अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। ये बारिश के मौसम में ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आए तो बीज से जितने भी पौधे निकले हुए हैं उन्हें आप अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी इस तरह से मैंने कई एक पौधे लगाए हैं। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि और कितने पौधे जो हैं तुलसी जी के बीज से निकाले हुए मैंने बनाए हैं और अलग अलग लगाए हैं जो ग्रो कर गए हैं। ये देखिए, एक पौधा ये है, ये भी तुलसी जी का बीज से निकले हुआ पौधा है। ये बहुत छोटा पौधा था, जब ये इतना बड़ा था, छोटा पौधा था, तब मैंने इस गमले में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ये गमला हमारे पास खाली पड़ा था पहले से, इसमें कोई भी प्लांट नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने इस पौधे को इस गमले में शिफ्ट कर दिया। और आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा हो गया है, इस बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ग्रो कर गया है। और भी जो पौधे निकले थे कई सारे, वो भी मैंने अलग अलग शिफ्ट कर दिए हैं। अभी भी इसमें कई सारे जो हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन अभी इनको कहीं भी शिफ्ट नहीं करूँगी। ये देखिए, एक गमला ये है, इसमें भी बीज से निकला हुआ जो पौधा था, छोटा था, वो मैंने उसमें शिफ्ट करके इसमें लगा दिया है। ये कितना ग्रो कर गया है ये भी देखिए। एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गमला, इसमें भी जो इस बारिश के मौसम में पौधा निकला हुआ था तुलसी जी के बीज से, उसको भी मैंने इस गमले में शिफ्ट कर दिया। और आप देखेंगे कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी कि एक पौधे से कई एक पौधे बन गए हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, जब वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाएं उनको तभी गमले में शिफ्ट करिए, तब वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं और हरे भरे रहते हैं। तो मित्र, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये वाला तुलसी जी का पौधा था, इस पौधे से मैंने अनेक पौधे बनाए हैं, लगाए हैं, शिफ्ट करे हैं गमले में इस बारिश के मौसम में। तुलसी जी हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर तरीके से केयर करनी चाहिए, रेगुलर पानी डालना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए ताकि अच्छे से ग्रो कर पाएँ।
तुलसी जी के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा जो है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। और कभी कभी क्या होता है कि अच्छा खासा पौधा भी सूख जाता है। आप भी देखिए, ये वाला जो पौधा है इसे भी मैं लगाऊंगी अलग गमले में, लेकिन थोड़ा सा ग्रो होने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो मित्रों, आपने देखा कि एक ही तुलसी जी के पौधे से कितने सारे पौधे बन जाते हैं। लेकिन ध्यान से उनको लगाना पड़ता है जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाएं, अच्छे से ग्रो कर जाएं, तब उनको अलग अलग गमले में शिफ्ट करके आप कई सारे ऐसे पौधे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटे पौधों को नहीं निकालना है। ये देखिए, इस तरह से तुलसी जी के पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं अलग अलग गमले में। इतना बड़ा पौधा जब ग्रो कर जाए तब आपको लगाना है। तो मित्रों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तुलसी जी के पौधे को लगाइए, प्रॉपर केयर करिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।